उसके बाद टाइम शुरू हो हाँ, गया ये क्या हो रहा है जिंदगी में पर अल्लाह मैं एक बहुत छोटी सी जॉब ढूंढ रहा था रोड पे चल रहा था मुझे याद है इतना पैसा और इतना सब कुछ देखने के बाद हर आसाइश देखने के बाद तो मैं रोड पे चल पैदल जा रहा था कहीं जॉब देखने के लिए तो मुझे दिलावर मलिक साहब का फोन आया जिनके साथ मैंने बचपन में काम किया था तब तक मैं भूल चुका हुआ था कि एक्टिंग कोई चीज होती है एक्टिंग मैंने करनी है या क्या पाकिस्तान में ड्रामे देखे भी जाते हैं क्योंकि मैं नहीं देखता था ना मेरे जानने वाले नहीं देखते थे नहीं। तो बस वो फोन फोन आया और उस से लेके आज तक मुझे याद है मेरे भाई ने मुझसे एक बात की थी मैं ट्रेन पे बैठा हुआ था जब नहीं। नहीं। मैं आ रहा था तो, तो मुझे ऐसे मिस किया उसने कहा ये ट्रेन नहीं भाग रही ये तेरी किस्मत भाग रही है तो बस वो आज तक भाग रही है और मेरे अल्लाह ने मेरे पे इतना करम किया और कराची मुझे क्यों पसंद है जहां से बात शुरू हुई थी ये बंदा परवर शहर है इस शहर ने मुझे बहुत इज्जत दी है hmm. मेरा ख्याल है वो प्यार ही क्या जिसमें इज्जत ना हो आई एग्री वो काम ही क्या जिसमें इज्जत ना हो तो मैं इस शहर hmm. की बहुत इज्जत करता हूँ okay. फिर मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ hmm. <laughs> तो इसीलिए आप कहते हैं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और इट्स नॉट अबाउट क्या अपनी जगह इतनी जगह रहें hmm. लेकिन दिस इज दिटी दिस बहुत खुल के बाद बता दी <laughs> है लेकिन नहीं ये आई थिंक ये इस बात की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आई थिंक यही तो चीज़ें हैं जो कि देखें इमरान अगर आपको लोगों ने प्यार दिया है तो आपने भी प्यार दिया है उनको ओके मैं आपको कह रही हूँ ना मैंने आपको बोला था कि पहले दिन मैं आपको मिली थी तो आप में इतनी कोई खूबसूरत एनर्जी थी कि इंसान आपकी तरफ ड्रॉ होता है और आप हमेशा मेरा बहुत ख्याल हाँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं मैं इसी तरह लोगों के साथ ड्रॉ होती हूँ तो मुझे ये बातें पसंद है बिकॉज मुझे कहीं किसी ने कहा था और मैंने फिर जब भी रिसर्च की तो मैंने वो इंटरव्यूज़ भी देखे आपके कि तुम्हें एंड एंड बाय द वे इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आप अच्छे हैं कि मैंने आपको बुलाया था बिकॉज आपकी कहानी है ठीक है और कहानी जो होती है दूसरों को बतानी ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरह हैं वो आपकी बातों से इंस्पायर होंगे वो जो आप अकेले चले जा रहे हैं और अल्लाह मिया ने आपके ऊपर एक रहमत बख्श दी और आपको किसी का फ़ोन आ गया यही होता है ना हाँ. यही होती है ज़िंदगी तो क्योंकि मायूस हो जाते हैं लोग आपने एक आपने एक ड्रामा भी किया है जिसमें आपने मैंटली चैलेंज पर्सन को प्ले किया तो लोग बहुत चैलेंज आजकल आजकल तो बहुत ज़्यादा हमारी नौजवान लोग जो हैं तो उसकी वजह से बहुत जरूरी है ये बातें करनी देखो सब समझते हैं कि जी सब कुछ इंसान को प्लेट में मिल जाता है। आपको है, पता है जो फोन मिलता। वो अब देखें जो हम अभी कहानी हम दोनों सुना रहे हैं उस कहानी में सुनने वाले को यहाँ तक लगा होगा कि फोन आ गया कराची से लड़का एक्टर बन गया नहीं पहले ड्रामे में से मेरे मैंने इतनी बुरी एक्टिंग की उन्होंने निकाल दिया मेरे मेरे एटी सीन निकाल दी और ठीक किया अगर मैं दिखता मैं अपने काम से प्यार करता हूँ उस तरह के सीन किसी और के आते हैं मैं भी कहता भाई इसको जरा तो ये शुरुआत थी फिर शुरु... स्ट्रगल थी एक स्ट्रगल थी स्ट्रगल तो है हाँ। अभी भी है रहनी है यस देखिए ना ऑड है ना रास्ता लीग्स थी दो रही है तोती है हमेशा हीरो कैरेक्टर एक्टर तो बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ कि वी एक्टर एक्टर हीरो hmm. yes. तो वो, आजकल तो हो रहा है ऐसे वो वो शुरू हुआ है शुरू नहीं हमारे ऑपोजिट साइड ऑफ़ द बॉर्डर पहले हाँ, वहां से शुरू हुआ शुरू है।, है।, लेकिन yes. यहाँ नहीं हो रहा था ना यहाँ नहीं हो रहा था बिकॉज यहाँ पे भी एक वो आप फंसे हुए ना स्टेरियोटाइप में फंसे अभी भी हुए अब कि पर हाँ, 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 जो खतान है वो भी बैठ के देखे हाय हाँ, और फिर लड़की भी नेक्स्ट पर चाहिए मैं भी से यही बातें कर रही थी हाँ, मैं कह रही थी कि जब तक शाली सरॉन ने मॉन्स्टर नहीं बनी चालीस पॉन्ड नहीं गेन किए वो ऑस्कर नहीं जी बिल्कुल मोस्ट ब्यूटिफुल वन बट शी बिकम समबडी एल्स